शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं एकनाथ शिंदे से। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे लगातार उद्धव सरकार की पोल खोल रहे हैं। उद्धव सरकार की पोल खोलते हुए लगातार वो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि किस तरह से उद्धव ठाकरे कठपुतली बनकर रह गए। हालांकि उन्होंने ये बताया कि दाऊद इब्राहिम का जो केस उठाना था उसको नहीं उठाया गया। उद्धव ठाकरे ने जानबूझकर नहीं उठाया, क्यों? क्योंकि एनसीपी चीफ शरद पवार ने सीधे तौर पर मना कर दिया था। एकनाथ शिंदे ने बड़ा खुलासा करते हुए उद्धव ठाकरे को कैसे घेरा और क्या कनेक्शन दाऊद इब्राहिम का शरद पवार से, ध्यान से रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पूर्व महा विकास आघाड़ी सरकार में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के कारण दाऊद इब्राहिम, मुंबई दंगों आदि से संबंधित मुद्दों पर निर्णय नहीं लिए गए। उन्होंने ये भी कहा कि इतने सारे विधायकों ने किसी छोटे कारण से नई सरकार बनाने के निर्णय नहीं लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक शिंदे ने कहा कि जब भी हिंदुत्व के मुद्दे पर सरकार के सामने आए, सरकार निर्णय नहीं ले पाए। शिंदे ने कहा शिवसेना और बीजेपी ने 2019 का विधानसभा चुनाव साथ साथ लड़ा, लेकिन महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार बनी। इस वजह से भी हिंदुत्व के मुद्दे सामने आए थे। सावरकर से जुड़े मामले सामने आए, मुंबई विस्फोट का मुद्दा आया, दाऊद का मुद्दा सामने आया और अन्य ऐसे मुद्दे आए तो हम निर्णय लेने में असमर्थ थे। शिंदे ने एनसीपी नेता नवाब मलिक के 1993 के बम विस्फोट के मुख्य आरोपी गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम से कथित संबंधों का जिक्र करते हुए ये कहा, विधायकों को निर्वाचन क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। शिंदे ने कहा कि शिवसेना के विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्रों में काम नहीं कर पा रहे थे। कांग्रेस और एनसीपी उन निर्वाचन क्षेत्रों में हारे हुए लोगों को मजबूत कर रही थी। जब हम चुनाव जीतते हैं तो मतदाता उम्मीद करते हैं कि पानी, सड़क और अन्य बुनियादी कार्यों सहित विकास कार्य होंगे। हमारे विधायक धन की कमी और अन्य समस्याओं के कारण ऐसा नहीं कर पाए। हमने अपने वरिष्ठों से कई बार बात भी की और समस्या का हल किया जाए, लेकिन दुर्भाग्यवश सफल नहीं हो पाए। शिंदे ने ये भी कहा कि उनके विद्रोह में कुछ भी अवैध नहीं है। उन्होंने फ्लोर पर अपना बहुमत साबित कर दिया। उन्होंने कहा हम कुछ भी अवैध नहीं कर रहे। इस देश के लोकतंत्र में नियम, कानून और संविधान है और उसी के अनुसार काम करना होता है। आज हमारे पास बहुमत है, हमारे पास शिवसेना की 2/3 से अधिक विधायिका की ताकत है और इसलिए हमने जो निर्णय लिया वो कानूनी है। तो देखा आपने ये रिपोर्ट, सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि बहुत बड़ा कनेक्शन था और उद्धव ठाकरे का इस्तेमाल केवल शरद पवार कर रहे थे। हालांकि अब नए सीएम बन चुके हैं एकनाथ शिंदे और बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में बनी गई है। सीधे तौर पर अब देखा जा रहा है कि बीजेपी अब उन पुरानी फाइलों को न सिर्फ खुलवाएगी बल्कि जांच भी करवाएगी जिन फाइलों पर धूल लगती नजर आती है। और अगर ये फाइलें खुलेंगी तो क्या शरद पवार जेल जाएंगे और नंबर उद्धव ठाकरे का भी होगा? आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।